पिछले 3 दिनों से बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरे बांग्लादेश की तस्वीर ही बदल गई। पूरा मुल्क आगजनी, अराजकता और हिंसा से जूझ रहा है। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं हुआ। बांग्लादेश में तख्ता पलट एक सोची समझी साजिश थी जिसके एक नहीं कई किरदार थे। इन किरदारों के चेहरे सामने आने लगे हैं। शेख हसीना को धोखा देने वाले, उन्हें गद्दी से उतारने वाले अब एक एक करके बेपर्दा हो रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या शेख हसीना को गद्दी से उतारने का प्लान पहले ही रेडी कर लिया गया था? अगर ऐसा था तो शेख हसीना को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? अपने खिलाफ बुने जा रहे साजिशों के तार का पता शेख हसीना को क्यों नहीं चला? कहीं ऐसा तो नहीं शेख हसीना को उनके अपनों ने ही दगा दी? बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे गृहमंत्री असदुजमा खान, विदेश मंत्री हसन महमूद और सड़क परिवहन मंत्री ओबेदुल कादर का नाम बताया जा रहा है। ये तीनों शेख हसीना के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनकी किचन कैबिनेट का हिस्सा भी थे। बताया जा रहा है कि ये तीनों हसीना का साथ छोड़ सेना के साथ हो गए। सेना ने इन्हें भरोसा दिलाया था तख्ता पलट के बाद इनकी देश में बड़ी भूमिका रहेगी। इतना ही नहीं, ये तीनों फिलहाल गायब हैं। इनका अचानक से गायब हो जाना कई सवालों को जन्म भी देता है। इसके अलावा दो और किरदार थे जिनको इस तख्ता पलट के पीछे की साजिशकर्ता के रूप में देखा जा रहा है, अब्दुल मोमेन और शहरयार आलम। शेख हसीना से बेहद नाराज थे। वजह थी हसीना कैबिनेट में जगह ना मिलना। शेख हसीना ने इस बार अपनी कैबिनेट में 25 कैबिनेट मंत्रियों और 11 राज्य मंत्रियों को जगह दी थी, लेकिन इसमें अब्दुल मोमेन और शहरयार आलम का नाम नहीं था। बांग्लादेश में बड़े उलटफेर के पीछे इन्हीं 5 लोगों का नाम सामने आ रहा है। इन्हीं की साजिश के तहत हसीना को बांग्लादेश से भागना पड़ा। माना जा रहा है कि मंत्री पद ना मिलने से नाराज चल रहे अब्दुल मोमेन और शहरयार आलम सरकार विरोधी ताकतों के साथ हो गए थे और उनको हसीना के खिलाफ भड़का रहे थे। शेख हसीना के दगाबाज घर में ही नहीं थे, घर के बाहर भी थे। शेख हसीना के तख्ता पलट में एक नहीं 3 देशों के नाम सामने आ रहे हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट का सबसे बड़ा और शातिर किरदार कोई और नहीं, उसकी आर्मी है। उनका आर्मी चीफ वकार उज जमान है जो शेख हसीना के दूर के रिश्ते में बहनों ही लगते हैं। सेना पर आंदोलनकारियों का साथ निभाने का आरोप है। सेना चाहती तो आंदोलन को रोक सकती थी, इस तस्वीर को बदल सकती थी, लेकिन सेना ने ऐसा करने की बजाय आंदोलनकारियों का साथ दिया, उन्हें सड़क पर उतरने दिया, आगजनी तोड़फोड़ करने दी, पीएम आवास में घुसने दिया, लूटपाट करने दी। सेना ने सरकार का साथ देने की बजाय हसीना से इस्तीफा लिखवाया। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के पीछे एक बड़ी साजिश थी और इसके लिए बकायदा टूलकिट के जरिए एक आंदोलन चलाया गया। इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और चीन का हाथ बताया जा रहा है। टूलकिट के जरिए ही सरकारी नौकरी में कोटे के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन को सरकार विरोधी आंदोलन में बदल दिया गया। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को इतना ज्यादा भड़काया गया कि छात्रों, पुलिस और सरकार समर्थक समूहों के बीच झड़पें तेज होने लगी, जिसके बाद हालात बेकाबू होते चले गए। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और पाकिस्तान की ISI बांग्लादेश में अशांति को बढ़ावा देने में शामिल है। शेख हसीना सरकार का भारत के हितों के प्रति संवेदनशील होना चीन को पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन शेख हसीना के रहते बांग्लादेश में चीन की दाल नहीं गल रही थी। खुलासा हुआ है ISI समर्थित जमात ए इस्लामी को शेख हसीना सरकार को अस्थिर करने के लिए इस साल की शुरुआत में बड़ी रकम भी दी गई थी और इस फंडिंग का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में सक्रिय चीनी संस्थाओं से आया था। इस्लामी छात्र संगठन के लोग आम लोगों का समर्थन पाने में कामयाब रहे और आखिरकार देश में तख्ता पलट हो गया। बांग्लादेश के तख्ता पलट में अमेरिका को भी एक किरदार माना जा रहा है। खुद शेख हसीना के बेटे साजिब वाजेद ने कहा, हसीना सरकार गिराने में अमेरिका का हाथ हो सकता है। तख्ता पलट की इस पूरी कहानी में अमेरिका के एक डिप्लोमेट का नाम आ रहा है। इस शख्स को डिप्लोमेटिक सर्किल में रिजिम चेंज यानी कि सरकार बदलने का मास्टरमाइंड कहा जाता है, जिसका नाम है डोनाल्ड लू।
अमेरिका ने जनवरी में बांग्लादेश में हुए आम चुनाव पर आपत्ति जताई थी। वो शेख हसीना सरकार की नीतियों के खिलाफ था और तख्ता पलट के बाद अमेरिका ने बांग्लादेशी सेना की तारीफ की है। शेख हसीना की सरकार ने जब विपक्षी नेताओं को जेल में डालना शुरू किया और दमनकारी नीतियां अपनाने लगी तो अमेरिका को मौका मिल गया। डेमोक्रेसी के नाम पर शेख हसीना पर दबाव बनाए जाने लगे, लेकिन तब भी बात नहीं बनी। इसके बाद अमेरिका ने कई कड़े कदम भी उठाए, जैसे बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का आरोप लगाते हुए बैन कर दिया गया। हसीना से जुड़े कई ताकतवर लोगों पर भी बैन लगा दिया गया। हालांकि इन सबके बावजूद शेख हसीना की सरकार नहीं झुकी। बताया जाता है कि अमेरिका के इशारे पर ही हाल ही में हुए बांग्लादेश के चुनाव में बीएनपी और दूसरी अपोजिशन पार्टियां शामिल नहीं हुई थी। इसके पीछे मकसद था चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए शेख हसीना को सरकार नहीं बनाने दिया जाएगा और मनचाही सरकार बन जाएगी। हालांकि शेख हसीना फिर सत्ता में लौट आई और यहीं से अमेरिका ने उनके तख्ता पलट की प्लानिंग की थी।